रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल समोसा और चिकन वेजिटेबल रोल, जो कि रमज़ान आ रहा है आगे और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज होते हैं खाने में। पटिया बनाने से पहले हम सबसे पहले चिकन को जो है वो बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए मैंने, समोसे बनाने के लिए मैंने जो चिकन लिया है वो कुछ मैंने बोनलेस ले लिया है और कुछ मैंने हड्डी वाला लिया है, क्योंकि हड्डी वाला चिकन मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ, इसमें जायका ज़रा ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी जायके के मुताबिक काली मिर्च शामिल करेंगे और जायके के मुताबिक ही नमक शामिल करेंगे और पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा और सारा पानी अब्सॉर्ब हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, फिर हम इसके रेशे बना लेंगे। अब हम समोसा पट्टी रोल बनाना शुरू करते हैं। सब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। अब हम इसको गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे, जिस तरह से आटा गूंदते हैं। इस तरह से आपने इसको गूंद लेंगे, अच्छे तरीके से गूंदना है। जितने अच्छे तरीके से गूंदा होगा इतनी ही अच्छी पट्टियां तैयार होंगी। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से हमारी तैयार हो जाए। समोसा दो रेडी है, अब हम इसको पट्टियां बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, इस तरह से करके आपने पेड़े बना लेंगे। से पेड़े बना लेने, तकरीबन मैं 8 पेड़े बनाऊंगी इससे। ऐसे ही आपने सारे पेड़े बना लेने। पेड़े हमारे रेडी हैं, अब हम पट्टियां बनाना शुरू करते हैं। आटा स्प्रेड करेंगे और एक पेड़ा ले लेंगे, इसको ऐसे करके थोड़ा सा लोई सी बना लेंगे और फिर इसको हम बेलेंगे, एक पूरी के शेप में बेल लेंगे इसको। इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। सारे पेड़ों को हमने बेल लिया है, अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। तो पहले आप थोड़ा सा मैदा सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये मैंने ऑयल लगा लिया है। अच्छा, मैंने 8 पेड़े बनाए थे, 8 पेड़ों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक साइड पे मैंने 4 ले लिए हैं और एक साइड पे 4 ले लिए हैं। तो 3 जो डो हैं उनके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है और चौथी के ऊपर नहीं लगाया। अब मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये चिपके नहीं आपस में। तो दूसरी रोटी को पकड़ेंगे हम और इसके ऊपर से रख देंगे, बिछा देंगे। आपने इक्वल साइज में बनानी है ताकि अच्छी सी हमारी जो पट्टियां हैं वो तैयार हों। इसके ऊपर भी फिर ऐसे ही मैदा छिड़क देंगे। और दूसरी ऑयल वाली पट्टी रखेंगे इसके ऊपर, इसी तरह इसके ऊपर मैदा सेपरेट करेंगे। और जो लास्ट वाली है उसके ऊपर आपने ऑयल नहीं लगाना, उसको इसके ऊपर ऐसे ही रख देना है। इसको हम एक साइड पर रख देंगे और दूसरी भी 4 पट्टियों से हम ऐसे ही बना लेंगे। लेयर्स वाली दोनों रोटियां रेडी हैं, अब हम इनसे एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे बारी बारी। इस तरह से आपने बड़ी रोटी बनाते जाना है कि बड़ी ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली तमाम लेयर्स को कवर कर ले। इसको आप जितना पतला बेलेंगे इतनी ही ज़बरदस्त पट्टियाँ तैयार होंगी। और इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे। अब ये हमारी तैयार है, इसको हम कुक करेंगे। तवा गर्म हो गया है, अब हम इसको कुक कर लेंगे। कुछ सेकंड हम इसको एक साइड से पकाएंगे और कुछ सेकंड दूसरी साइड से पकाएंगे। एक साइड से ये हो गई है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये कुक हो गई है, इसको उतार लेते हैं। समोसा जो पट्टियाँ हैं वो हमने कुक कर दी हैं, अब हम इनको अलग कर लेते हैं।
ठीक है, इस तरह से आपने नरम हाथों से इनको अलग कर लिया। इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, आप इनको काट के भी अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको अलग करके फिर आपको कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरह आप समोसा पट्टी शेप तैयार कर सकते हैं और रोल पट्टी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने काटे बगैर सेपरेट कर लिया, इसको हम काट के सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे कटर ले लेंगे शार्प सा। तो मैं काट रही हूँ समोसा रोल के लिए पट्टियाँ, तो इसको ऐसे काट लेंगे। ये आपने वेस्ट नहीं करना, ये पापड़ी में चाट में डालने के लिए, ये पापड़ी इसकी तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसी तरह हम काट लेंगे इस साइड से। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। पट्टियों को सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए कितनी जबरदस्त पट्टियां तैयार हुई। आप घर पे तैयार करें, आपको कहीं बाहर बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जबरदस्त तैयार होती है। इसी तरह हम सबको सेपरेट कर लेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त ये तैयार हुई, बहुत ही जबरदस्त। अब मैं दो तरीके से आपको समोसा पट्टी काटना सिखाऊंगी। एक तो इस तरह से आप काट सकते हैं, इसको 4 पीसेज में डिवाइड कर लें ऐसे करके। और एक तरीका ये है, अगर आप इस तरह से ये रोल की पट्टी को ले लेते हैं और इस तरह से 2 में डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये एक जो है समोसा पट्टी इससे तैयार हो जाएगी और इससे भी समोसा बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है। पट्टियाँ हमारी तैयार हैं, अब हम समोसे और रोल बनाते हैं। उसके लिए ये जो चिकन मैंने बॉयल किया था, काली मिर्ची और नमक डालकर, वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गया है। ये देखें, अब इसको रेशे कर लेंगे, ठंडा हो गया ये, इसको रेशे कर लेंगे और हड्डियों को अलग कर लेंगे। चिकन को मैंने रेशा रेशा कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, ये 3 सब्जियां मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। प्याज लिया है, बंद गोभी और शिमला मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपको क्वान्टिटी रिक्वायर्ड होती है आप डाल सकते हैं। चिकन को इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक हसबे ज़रूरत, क्योंकि हमने चिकन में भी शामिल किया हुआ है, आपने इसका ख्याल रखना। और काली मिर्च डाल के इसको मिक्सअप कर लेंगे। ये मिक्स हो गई है माशाल्लाह, मिक्सचर बहुत अच्छा तैयार है। अब हम इसे समोसे और रोल बनाएंगे। सबसे पहले रोल बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। ये थोड़ा सा मिक्सचर पकड़ें, इसके अंदर इस तरह से डालें ऐसे, जितना आपको अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, बाइट में ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा डाल लें, थोड़ा पसंद है तो थोड़ा डाल लें। और इसको आपने इस तरह से जो है हाथ से दबाते हुए रोल करना। इस तरह से यहाँ से आपने ऐसे इसको प्रेस करना है अंदर, इस तरह करके। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड से इसको बंद कर लें। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गया। ये खुलेगा नहीं जब आप इसको फ्राई करेंगे। कोई ले भी कुछ लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको महसूस हो रही है आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये। अब हम पट्टी से समोसा शेप बना लेंगे कि किस तरह बना सकते हैं। इस तरह से आपने पट्टी को पकड़ना है ऐसे, और इस तरह से इसको किया, फिर गैन इसको ऐसे किया आपने, फिर इस तरह से ऐसे, और इसमें हम मिक्सचर भर लेंगे। इस तरह से इसमें मिक्सचर डाल लें और इसको बंद कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लई बनाई हुई है, इस पर आपको लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि
इसका मुंह खुल जाता है जब हम इसको कुक कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लगा लें और इसको ऐसे करके अच्छे से बंद कर दें। यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा इधर भी लगा लें। इतना ज़बरदस्त समोसा तैयार हुआ है, ऐसे ही सारे बना लेंगे। इसकी शेप ये है, आप इसमें भी बना सकते हैं। इसको ऐसे करें आप और ऊपर से इसको रैप अप करें। इसके शेप बन गई। इधर थोड़ी सी आप लही लगा लें, अच्छे से बंद कर दें और अब इसमें मिक्सचर डाल दें। फिलिंग कर ली इसकी। अगेन इसको यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा सा लही लगा लें, इसको बंद कर दें। इस तरह से आप इस शेप में भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोल और पट्टियाँ जो हैं वो हमने समोसे तैयार कर लिए हैं रोल और पट्टियों से। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे कि लही मैंने किस तरह से बनाई है। मैंने एक टेबल स्पून जो है मैदा ले लिया था, उसमें मैंने पानी डाल के इसको मिक्स किया तो ये लही तैयार हो गई। तो आप भी ऐसे बना लीजिए। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना, ये जब इनको थोड़े लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि अंदर से सब्जियां भी अच्छी तरह कुक हो जाएं। गोल्डन, प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। यही कलर आपने लेके आना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त समोसे और रोल तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे प्रेस ना करना भूलें ताकि मेरी वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।